हमें अपनी लड़ाइयों से बाहर निकलकर इस्लाहात पर बात करनी होगी। ऑपोजिशन और हकूमत को यकसा एजेंडे पर काम करना होगा। हमें NFC अवार्ड और NAB कवानीन में तरमीम करनी चाहिए। वफाक वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वेंटिलेटर्स की पहली खेप आइंदा 2 रोज में NDMA के हवाले कर देंगे। आज हम पाकिस्तान में हिफाजती किट्स बना रहे हैं, $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी वक्त था जब थर्मामीटर तक दूसरे मुल्क से मंगवाना पड़ता था। हमें अपनी लड़ाइयों से थोड़ा बाहर निकलना होगा। हमें इस्लाहात की बात करनी होगी। हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशियल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें NAB के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं NFC अवार्ड है उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। वो चीजें हैं जिनका असर आने वाली नस्लों के ऊपर होगा। हम पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, ना सिर्फ हम सारे पाकिस्तान में अपने खुद बना रहे हैं बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सनअत $100 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रही। हम अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते, हम अपना थर्मामीटर भी खुद नहीं बनाते, हम जो भी चीज थी वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने अपने पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनाए हैं और पहली खेप जो वेंटिलेटर्स की है वो इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे को इंशाल्लाह NDMA के हवाले कर दी जाएगी।